जब घर में कोई सब्जी ना हो तो आटे से बनी हुई सब्जी को जरूर बनाइएगा। बिल्कुल नई रेसिपी है। नमस्ते दोस्तों, मैं आरवी आरवी के चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत है। इस सब्जी को माँ बनाया करती थी बचपन में, हम लोग खाया करते थे। इतनी अच्छी, इतनी यमी, तीखी, चटपटी, खट्टी वाली ये सब्जी होती है। और इस सब्जी में ना ही प्याज लहसुन ना कोई मसाले पड़ते हैं, फिर भी ये सब्जी इतनी अच्छी, यमी, टेस्टी लगती है। तो कौन कौन लोग इस सब्जी को खाए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी को। तो यहाँ पे तेल गरम करेंगे, कढ़ाई में तेल डालेंगे और हम गैस स्लो कर देंगे क्योंकि हमारी कढ़ाई बहुत पतली है। तो वैसे भी तड़का डालें तो गैस स्लो कर दें ताकि आपका तड़का ना जले। अब यहाँ पे बढ़िया फ्राई कर लेंगे। इस बढ़िया के बारे में आप लोग जानती होंगी, हमारे यूपी साइड में इसको कोड़वड़ी कहते हैं। उड़द दाल से बनाई जाती है और कद्दू से बनाई जाती है, जो व्हाइट वाला कद्दू आता है। तो इसको 1 साल के लिए रखा जाता है तो इसको ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा। अब यहाँ पे मिर्ची आप अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा। और यहाँ पे इस सब्जी में पंचफोरन ज़रूर डालिएगा। पंचफोरन नहीं है तो जीरा डाल सकते हो, लेकिन है तो ज़रूर डालिएगा पंचफोरन। तो यहाँ पे पंचफोरन डाल देंगे, हरी मिर्च डालेंगे। मिर्ची जैसे कि मैं ज़्यादा खाती हूँ तो ज़्यादा ही मिर्ची मैं इसमें ले रही हूँ। अगर आप नहीं खाते हैं मिर्ची तो अपने स्वाद अनुसार मिर्ची डालें। मिर्ची नहीं पसंद है तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये सब्जी तीखी और खट्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे हम 4 बड़े चम्मच, ये 4-5 लोगों के लिए सब्जी बन जाती है। अब आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें आटा कितना लें। तो आप 4-5 लोगों के लिए बना रही हैं तो 4 बड़े चम्मच आप इसमें आटा ले लीजिएगा, 1 चम्मच बड़ा लीजिएगा, उससे नाप लीजिएगा तो ग्रेवी आपकी सही बनेगी। नहीं तो इसमें आटा कम ज़्यादा हो जाता है तो गाढ़ी बन जाती है ये ग्रेवी। ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ही बहुत पतली बनानी चाहिए। तो यहाँ पे आटा आप नाप लीजिएगा और गैस स्लो करके आटे को धीरे धीरे भूनिएगा। ये नहीं वीडियो में 5 मिनट पे बन गया तो 5 मिनट में ही आटा को भून लिया जाएगा, नहीं, गैस स्लो करके भूनना है। और आराम से आटा किस कलर का था और अभी किस कलर का आ गया है, ठीक है? तो आटा अच्छे से भूनेंगी तभी ये रेसिपी अच्छी बनेगी। आटा कच्चा नहीं रखना है। हल्दी और नमक डाल के 2 मिनट भूनिएगा और इसमें पानी डाल देंगे। पानी ज़्यादा पड़ता है क्योंकि ये पकने के बाद आटा है ना, तो थोड़ी सी ग्रेवी गाढ़ी होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें 3 बड़े गिलास पानी डाल दिया है और इनके खौलने का इंतज़ार किया। खौलने के बाद इसमें हम लौकी डाल रहे हैं। आप ना इसमें बैंगन डाल सकते हो, आलू डाल सकते हो, अरवी, कंडा, कोई भी चीज़ इसमें आप डाल के बना सकते हो। और चाहे तो आप लौकी को पहले तेल में फ्राई कर लें, आप बैंगन डाल रही हैं तो बैंगन को फ्राई कर लें, आलू भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम बिना फ्राई किए लौकी डाल रहे हैं। इससे ज़्यादा ये ऑयली नहीं होगी सब्जी, लेकिन आप ज़्यादा तेल खाना पसंद करते हैं तो इस लौकी को फ्राई करके हल्का हल्का सा निकाल के उसके बाद इसमें डाल सकते हैं। तो ऐसे ही बनाइएगा, लौकी नहीं फ्राई करते हो तो भी बहुत अच्छा बनेगा, वैसे तेल कम खाना चाहिए। अब जो बढ़िया हमने फ्राई करके रखी थी ना, उसे तोड़ के डालेंगे इसमें। 2, 4, 5 बढ़िया डाल सकते हो, ज़्यादा खाना आपके घर में बढ़िया खाने वाले ज़्यादा हैं जैसे पसंद है उनको, तो आप इसमें एक एक लोग के लिए एक एक बढ़िया भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने एक ही डाला है और तोड़ के 3-4 टुकड़े कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमें इनको पकाना है। अब लौकी के पकने का इंतज़ार करेंगे। लौकी जल्दी पक जाती है। थोड़ा सा जो लौकी कट करेंगी तो बड़े बड़े टुकड़ों में कट कीजिएगा और थोड़ा पतला कट कीजिएगा। पतला कट करोगे ना तो जल्दी पक जाएगी, मोटा मोटा नहीं रखिएगा। और चाहे तो आप लौकी, बैंगन, आलू जो है बेसन में के घोल में फ्राई करके भी ये रेसिपी बनाई जा सकती है, लेकिन वो थोड़ी सी ऑयली हो जाएगी, इसलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। हमारे घर में तेल बहुत ज़्यादा नहीं खाया जाता है और तेल बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। अब इनको ढक देंगे और पकने का इंतज़ार करेंगे। और उसके बाद एक और मसाला इसमें जाएगा ताकि इसका टेस्ट बढ़ जाए। तो आप लोग कहोगे कि मसाला ही नहीं डालना है, लेकिन अब मसाले डालने को बोल रही हूँ, जी हाँ, ये मसाला नहीं है। ये देखिए लौकी पक चुकी है और इसमें आप इमली डाल सकते हैं। अगर आपके पास ना इमली है तो इमली डाल दीजिए, अच्छे से पानी में धुल करके इमली, उसमें इमली डाल सकते हैं। अब हम गैस स्लो करके इसमें डालेंगे अमचूर पाउडर।
तभी तो हमारी सब्जी तीखी और खट्टी बनेगी ना, इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसमें दही नहीं डालिएगा, इसमें इमली या अमचूर पाउडर ही डालिएगा, दही का टेस्ट अलग आ जाएगा, वो फिर आपको कढ़ी का टेस्ट दे देगा। इसलिए आपको इसमें ना इमली या तो इसमें खटाई यानी अमचूर डालना है, टमाटर भी नहीं डालिएगा, उतना टेस्ट नहीं आता है। तो लीजिए यमी सी टेस्टी सब्जी बनके तैयार है। हाँ ध्यान दीजिए, लौकी पकने के बाद ही इमली या खटाई डालें, इमली का गूदा निकाल के इसमें एक दो चम्मच डाल सकती है, खट्टा आप अपने हिसाब से, इसमें मिर्ची और खटाई अपने हिसाब से डालिएगा। तो ये देखिए सब्जी पक गई है और इसमें देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, जबकि हमने कोई मसाले नहीं डाले हैं, तेल बहुत कम ही डाल के आटे भूने थे, आप ज़्यादा तेल भी डाल के आटे भून सकते हो। तो लीजिए चावल के साथ हमने इसको खाया था, चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चाहे इसे नाश्ते में खाइए, शाम को खाइए, जब दिल करे बनाइए खाइए। कभी दाल नहीं खाने का मन होता ना तो इस सब्जी को बनाइएगा, कभी तबीयत खराब होती है, मुंह का टेस्ट अच्छा नहीं होता है, तो एक खट्टी वाली तीखी वाली सब्जी खाने का दिल होता है, तो ज़रूर बनाइएगा। और इसके साथ मैंने छाछ भी लिया था और सबको सर्व भी किया था। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।